समझो ये रेडिएटर है, ठीक है। रेडिएटर में ये अपर टैंक है, अपर टैंक के अंदर क्या होता है, इंजन का जो गर्म पानी आता है वो अपर टैंक में होता है। अपर टैंक से ट्यूब्स के द्वारा पानी लोअर टैंक में आता है, लोअर टैंक तक जो पानी पहुंचता है अपर टैंक से लोअर टैंक में, तो आगे से हवा फिन्स के टकराती है, ट्यूब के साइड में फिन्स बने होते हैं, फिन्स पे हवा टकराती है, एयर टकराती है तुम्हारी, और कुछ हवा ये पंखा मारता है इस हवा में, तो जिससे ये क्या होती है ट्यूब ठंडी हो जाती है। जब गर्म पानी इन नलकियों में बहता है तो ये पानी ठंडा हो जाता है, लोअर टैंक में जो ठंडा पानी होता है और इस ठंडे पानी को वाटर पंप, ठीक है, इसको एक्चुअल में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप है, बाकी वाटर पंप भी मैकेनिकल वर्सन, ठीक है। तो वाटर पंप क्या करता है, इस पानी को खींच के इसका प्रेशर बढ़ा देता है, प्रेशर बढ़ा के इसको इंजन के अंदर भेज देता है, सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर ब्लॉक में जहां सिलेंडर चलते रहते हैं इसके साइड में पैसेज होते हैं, छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में ये पानी जाता है सराउंडिंग में। जब पिस्टन चलता है तो इसकी साइड की दीवारें गर्म हो जाती है, सिलेंडर की दीवारें बाहर की गर्म हो जाती है, इस गर्मी को ये पानी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके वो पानी गर्म हो जाता है। पानी बहुत ज्यादा आने के कारण इसके अंदर लगातार ये कैसे देता रहता वाटर पंप, पानी गर्म करने का बहुत ज्यादा होने के कारण पानी ओवरफ्लो होकर थर्मोस्टेटिक वाल्व के पास होता है। थर्मोस्टेटिक वाल्व इज अ टेंपरेचर सेंसिंग डिवाइस, इसका जो टेंपरेचर है वो 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड भी ओपन होती है, ठीक है, अदरवाइज क्लोज होती है। जैसे ही टेंपरेचर यहाँ पे आएगा थर्मोस्टेटिक वाल्व पर पानी आएगा तो ये चेक करेंगे कि इसका पानी 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड है या नहीं, यदि 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड है पानी का टेंपरेचर तो ये आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, सारा का सारा पानी रेडिएटर में जाएगा। और यदि ये टेंपरेचर 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, 70 डिग्री है, 70 है, 70 है, 60 डिग्री है, तो ये यदि पानी ठंडा है, गर्म पानी नहीं हुआ तो ये आउटलेट वाल्व नहीं खुलेगा, इस केस में खुलेगा बाईपास वाल्व, इसको बोलते हैं बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व से ठंडा पानी क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। अब ये बाईपास वाल्व से ये भी पानी ठंडा है और जो इधर से खींचा है ये पानी भी ठंडा है, ये पूरा पूरा पानी दोबारा इंजन में फिर सर्कुलेट करेगा। इस तरीके से ये थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर ये प्रक्रिया पानी इस तरीके से सर्कुलेट होते रहते हैं, इस तरीके से पानी को ठंडा।